देखे तो आप लोग, मेरे नाम पीयूष और आप देख रहे हो आर्मी राइटर। तो मेरे पास है ये आर्मी फाइव, तो आज मैं आपको इसका ओवरव्यू बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसके फ्रंट से दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर आइए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ आगे से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये रही इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये दो LED लैंप दिखाई देते हैं और ये मेन वाला प्रोजेक्टर दिखाई देता है। और इस साइड में इधर आइए, ये भी गाड़ी किस तरीके से दिखाई देती है। और आगे से मीटर में आपको देखा था, मीटर में क्या क्या दिखता है अपने को, ये देख सकते, गाड़ी चालू हुई है, ये कुछ मीटर हमें इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके अंदर मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड, स्टैंड पर खड़ी इसलिए चालू नहीं हो रही है। ये देख सकते गाड़ी चालू हो चुकी है। और ये देख मैं आपको बता देता हूँ इसके एक दो फीचर, ये नीचे यहाँ पे इसके पूरे फीचर्स आते हैं इसके अंदर। इसमें Trip 1, Trip 2, ODI और ये नीचे इसका एवरेज और TCS वगैरह ये सब दिखाई देते हैं। तो गाइस आप इसके माइलेज के ऊपर बात आती है, ये गाड़ी मेरे को आराम से 50 का माइलेज दे देती है। इसका टैंक 11 लीटर का है, मैं बता भी देता हूँ आपको एक बार माइलेज बता दे रही है। ये देख सकते हैं 50 लिखा हुआ है और ये मेरे को आराम से 50 का माइलेज दे देती है गाड़ी। और ये कुछ 2000 किलोमीटर चली है। ये गाड़ी पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देख सकते हैं ये गाड़ी, एक से हेलमेट है, ये हेलमेट हटा दिया है। ये देख सकते हैं गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अंदर हमें इंडिकेटर LED नहीं मिलते हैं, सिंपल इंडिकेटर मिलते हैं। और इसमें ये चारों इंडिकेटर चलते हैं, बता देता हूँ आगे आइए। ये देख सकते हैं ये चारों इंडिकेटर चल रहे हैं। और ये वाले कांच मैंने मॉडिफाइड करा है, ये वाले कांच मैंने मॉडिफाइड करा है। ये इसके अंदर हमें TCS दिखाई देता है, इसके अंदर गाड़ी अपनी बारिश में भी नहीं फिसलती है। और इसके टायर में बता देता हूँ, देख रही है कितना ठीक है इसके टायर, ये आगे वाला टायर देखे और ये पीछे वाला बोला, ये पीछे वाला टायर भी देखे इतना ठीक रहता है। इसे एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाता हूँ, ये देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट की आवाज़। इसने कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराया है, बहुत छोटे से मॉडिफिकेशन कराया है। ये सबसे पहले ये वाला गार्ड लगाए, क्रैश गार्ड, और आगे ये ZX टर्नर वाला मिरर लगाए हैं। और नीचे ये रेडिएटर ग्रिल लगाई है, और इसके अंदर ये मोबाइल स्टैंड लगाया है। तो गाइस अब मेरी 5.8 है भाई, ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मेरे पैरों को टच हो रही है। और सामने से दिखा दीजिए ये कुछ इस तरीके से लगती है बैठने के बाद। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। इसके अंदर ये मीटर के अंदर आप बता देता हूँ मैं, ये देख कैसे हमें मैसेज आता है तो पता चल जाता है, कॉल आता है तो पता चल जाता है। ये नीचे इसके यहाँ पे सीट के ऊपर आता है, इसके सीट के अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या मिलता है अपने आप को। ये कुछ सीट इस तरीके से टूल दिखाई देते हैं। और ये रहा इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये रही। तो अभी मैंने इसके अंदर डिस्कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है। और कुछ नहीं है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ मैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।